साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर यहां पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है और राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी करार दिया है। तो जिस तरह का बयान सामने आया है उसको लेकर ये राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है, जिसमें आतंकवादी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त कहा है और प्रज्ञा ठाकुर को राहुल गांधी ने आतंकी करार दे दिया। तो जो बयान यहां पर सामने आया है, इससे पहले प्रियंका गांधी ने यहां पर कहा था कि विचारधारा क्या है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब जिस तरह का ट्वीट किया है दोनों में, ऐसे देखा जाए तो साध्वी प्रज्ञा के इस बयान की हर ओर निंदा हो रही है और फिलहाल राहुल गांधी का ट्वीट अब सामने आ गया है जिसमें आतंकवादी प्रज्ञा ने आतंकी गुटसे को देशभक्त कहा। तो ऐसे में राहुल गांधी ने आतंक करार दिया है, आतंकी करार दिया है साध्वी प्रज्ञा को और संसद के लिए इस दिन को बेहद ही दुखद बताया है। कहा कि भारतीय संसद के लिए ये जो दिन है वो इतिहास में एक दुखद दिन के तौर पर जाना जाएगा, जहां पर प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा और ऐसे में ये संसद के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। तो राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है, हालांकि इससे पहले एक बयान सामने आया था जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस बीजेपी की आत्मा में जो है वो सामने आ गया है, बोल चाहे साध्वी के हों लेकिन विचार कहीं ना कहीं वो आरएसएस के सामने नजर आ रहे हैं। और इसी पर अब एक ट्वीट सामने यहां पर आया है जहां पर आतंकी करार दिया गया है राहुल गांधी के जरिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को।